तो गाइस आ गया हूं आपके लिए एक खतरनाक फोन लेके जो है ओप्पो का रेनो 8 5G। तो आज इस काम करेंगे बीजीआई गेमिंग टेस्ट और देखेंगे इसमें कितना है दम। एक पतला सा फोन है बिल्कुल, इसमें हमें डायमेंसिटी मीडियाटेक 1300 मिलता है। तो देखते हैं हमें कैसी परफॉर्मेंस है, क्योंकि रेनो 7 में जो अपना मीडियाटेक डायमेंसिटी है वो 900 मिलता था, इसमें हमें 1300 मिलता है। साथ ही में इसमें हमें 8GB की रैम मिलती है और रैम एक्सपेंशन भी मिलता है। तो चलो यार इसमें गेम चलाते हैं और देखते हैं हमें कैसी परफॉर्मेंस है, देखते कितनी जल्दी ये गेम को ओपन कर पाएगा। वाईफाई से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इसमें ना एक गेमिंग मोड का भी ऑप्शन, मैं भी आपको वो भी दिखाऊंगा आगे, यहाँ पे हमें मिलता है वो। तो इसमें हमें जो अपने जो इसका टेम्परेचर है, जैसे अभी 38 डिग्री सेल्सियस, तो 73% इसमें हमें जो है वो बैटरी मिलती है। तो देखेंगे इसका टेम्परेचर भी कितना इंक्रीज़ होगा और कितना हीट होता है और कितनी बैटरी को कंज्यूम करता है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे परफॉर्मेंस सेटिंग भी है, गेम फोकस मोड भी है और एक यहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑफ करने का। ग्राफिक्स HDR और अल्ट्रा आपने कर दिए हैं, देखते हैं कैसा रहता है अभी। तो मैं अभी अपने फ्रेंड के साथ ही खेल रहा हूँ रूम बना के। यार कलर वगैरह तो काफ़ी सही आ रहे हैं फ़ोन में। अरे यार तो अगर मैं आपको अभी तक का बताऊँ ना गेमिंग का, तो यार जो कलर्स वगैरह ना फ़ोन में वो काफ़ी ज़्यादा सही दिख रहे हैं और मुझे इस फ़ोन से इतनी उम्मीद नहीं थी इतना सही चला पाएगा। तो गेम काफ़ी ज़्यादा सही हैंडल कर पा रहा है, बाकी ये देखते हैं आगे। हीटिंग का मुझे थोड़ा इसमें इशू बस लग रहा है, क्या पता हो सके, बाकी तो गेम चल रहा है ओके बिल्कुल। तो चलो इसको मारते हैं यार। तो ये आप देख रहे हो ग्रास वगैरह का जो टेक्सचर दिखा रहा है, गेम की जो स्मूथनेस है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो गेमिंग में मैं अगर मैं इसको रेटिंग दूँ ना, तो मैं इसको 10 में से यार 9 दूंगा, क्योंकि मुझे ये सही में रियलिटी में पसंद आया। मैं कोई ये नहीं बोल रहा, सब बोल रहे हैं, तो इसलिए जो रियलिटी में फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। तो अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो गेम बिल्कुल ही स्मूथ चल रहा है, कोई भी बिल्कुल लैग नहीं 1% का भी। तो अभी तो खैर यार वही है, लैग वगैरह महसूस हो नहीं रहा बिल्कुल भी। आप अगर इसकी सेटिंग पे देखो, तो मैं दिखाता हूँ HDR अल्ट्रा पे चल रहा है ये, तो गेमिंग में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप इसे लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कर सकते हो अगर चाहो तो। तो यार गेम ना रियलिटी में इतना ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, मुझे इससे उम्मीद नहीं थी। तो जो इन्होंने मीडियाटेक डायमेंसिटी दे रखा ना, वो सही में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। ओप्पो रेनो 7 में इन्होंने जो अपना वो 900 दिया था, तो वो थोड़ा ना दिक्कत दे रहा था लोगों को, उसमें गेम्स वगैरह इतने स्मूथ नहीं चलते थे, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहे हैं। जो इसका हार्डवेयर वो काफ़ी तरह इसको ना हैंडल कर पा रहा है। अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें ना, फ़ोन में कितना हीट हुआ क्या हुआ, तो अभी इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो 40 डिग्री ये हो चुका है और 71% इसमें बैटरी है वो जो अपनी जा चुकी है। बाकी अभी इस मैच को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं और फिर एंड में देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और मैं आपको इसमें कुछ ये भी बताऊंगा यार इसमें, तो मेरा मेन कंक्लूजन क्या निकला है गेमिंग के लिए फ़ोन है कि नहीं, उसके बारे में भी यार। तो यार गेम खेलने में सही में यार रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बिल्कुल गेम स्मूथ चल रहा है और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं दे रहा। तो 1% भी लैग नहीं हो रहा, देखो अभी मैं बिल्कुल ये यार सब कुछ कर लिया, लेकिन ये गेम हैंग होने का नाम भी नहीं ले रहा और HDR अल्ट्रा पे चल रहा है। तो अगर अभी जैसे हमारा एक मैच कंप्लीट हो चुका TDM का, हमने फुल मैच खेल लिया, तो अभी इसकी देखते क्या जो अपनी वो कितना फ़र्क पड़ता है। तो 3 डिग्री का हमें इसमें फ़र्क पड़ा है, ये 38 थी अभी 41 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और साथ ही में 69% है जो वो अपनी बैटरी हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से तो यार एक ये डिसेंट था, इतना तो हीट चलता है। ये पीछे हमें इसमें प्लास्टिक मिलता है, तो अभी थोड़ा बहुत हीट हो रखा फ़ोन, इतना तो होता ही है यार। अगर ग्लास होता तो ग्लास तो और ज़्यादा हीट यार। ओप्पो रेनो 8 5G जो हमारे BGMI का टेस्ट है, उसमें यार ये मेरी तरफ से तो बिल्कुल ही इसके लिए यार यस है, क्योंकि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सही है और हीट भी बिल्कुल नहीं हो रहा। मतलब 3-4 डिग्री इसमें टेम्परेचर जो अपना इंक्रीज़ हुआ था, तो 30,000 के अंदर अगर गेमिंग का आप अगर फ़ोन लेना चाहते हो और हाई सेटिंग पे उसमें गेमिंग करना चाहते हो तो यार मेरे लिए, मैं आप पर्सनल आपको बताता हूँ कि आप इस फ़ोन को ले सकते हो और इसमें अच्छी गेमिंग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि यार अभी 1000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले थोड़े से ही बचे हैं, तो आपके प्यार से वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट।